तुम चाहे जितना भी रो लेना, पर कोई फायदा नहीं। तुम जैसे बदनसीब वाली को बहू के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं जो कह रही हूँ करो, वरना। काश जितने भी दुख दे और जितनी भी गालियां दे दे, पर ललिता चुपचाप ही सह लेती थी। इस प्रकार रोती हुई वह वहीं पर सो गई। बच्चा है, उसे किसी भी प्रकार से बचा कर रखना है। मेरी जान भी चली जाए, इस बार मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर किसी को कुछ बताए बिना ही घर छोड़कर चली गई। अगले दिन शकुंतला देवी से तंग आकर बहू घर छोड़कर चली गई है, ऐसा गांव में सभी लोग कहने लगे। पर फिर भी शकुंतला देवी को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। गर्भवती बहुत दिखाई नहीं दे रही थी, पर फिर भी जरा से भी उसको चिंता नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, मेरे बेटे का दूसरी शादी कराऊंगी। इस बार ज्यादा दहेज देने वाली बहू को लाऊंगी। ललिता दो दिनों से बिना कुछ खाए पिए जंगल के मार्ग से अपने पति के पास जाने लगी। भूख के मारे कमजोरी की वजह से वह सर चक्कर आकर गिर गई। महर्षि के दिए हुए दूध और फल खाकर उसे थोड़ी ताकत आई। आपकी सहायता को मैं कभी नहीं भूल सकती स्वामी। भूखे लोगों को खाना खिलाना तो मानवता है, इसमें मदद की क्या बात है। पर ये सब तो ठीक है, इस जंगल में तुम कहाँ जा रही हो बेटी? स्वामी मेरा नाम ललिता है, हमारा गांव कोरंगी है। मेरे पति का नाम शिल्पी है। 4 महीने पहले शिल्प का नक्काशी करने के लिए महल में गए हैं। उनके लौटकर आने में और 9 महीने लग जाएंगे, इसलिए मैं खुद उनके पास जा रही हूँ। बेटी इतने दूर अकेली इस जंगल के मार्ग से जाना बहुत खतरा है। रास्ते भर में जंगली जानवर, उससे भी खतरनाक डाकू डकैत लोग होते हैं। बेटी घर लौट जाओ। अगर लौट कर चली जाऊंगी तो मेरे पेट में जो बच्चा है उसे फिर से मार डालेगी मेरी सास। क्या? पेट में जो बच्चा है उसे मार डालेगी? कौन है वो क्रूर औरत? काम के सिलसिले में मेरा पति गांव से बाहर जाते रहते हैं। वे बहुत ही अच्छे हैं, पर माँ से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बात नहीं टालते हैं। लेकिन मेरी सास पैसों की पागल है। अगर लड़की हुई तो बड़े होने के बाद उसे बहुत दहेज देना है, बेकार का खर्चा है। इसलिए मुझे बेटा को ही जन्म देना है करके बहुत सताती है। मैं जब पहली बार पेट से थी, एक फकीर को बुलाकर जब ये पता लगाई है कि मेरी बेटी होने वाली है करके, मुझसे छुपाकर मेरे खाने में कुछ जड़ी बूटी मिलाई है, उस वजह से मेरी बच्ची पेट में ही मर गई। इतने दिनों बाद मैं फिर से गर्भवती हूँ, लेकिन वो फकीर फिर से बताया है। इस बार भी तुम्हारी बहू को बेटी ही होगी शकुंतला देवी। बदकिस्मत बदकिस्मत, इस बार भी लड़की है। पिछले बार तो तुम्हें बिना बताए खाना में जहर मिला कर दी हूँ। पेट में जो बच्ची थी वो पेट में ही खत्म हो गई। इस बार तुम खुद खाने में जहर मिलाकर खाओ। इसका मतलब मेरी बच्ची की मौत का जिम्मेदार आप हो।
आप बहुत बड़ी पापी है सासू माँ। हाँ, कोई पाप वाप नहीं है, मेरे वंश में लड़की पैदा नहीं होना है। ये लो जाओ। सासू माँ, इस बार बेटी होने से अगली बार बेटा हो सकता है ना? कृपया इस बार मेरे पेट में बच्चे को जीने दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है। 5 लड़कियों के बाद ही लड़का होगा करके फकीर ने बताया है। इसलिए तुम्हारे पेट में पलने वाली उस बदनसीब बच्ची को तुम ही खुद मार डालो, वरना किसी कुएं में कूदकर तुम खुद ही मर जाओ। बदनसीब औरत, जाओ। तुम चाहे जितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे बदनसीब वाली को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। सासू माँ से बहुत विनती करने पर भी उन्होंने नहीं माना। उनके पास रहने से मेरे बच्चे को जीने नहीं देगी, इसलिए मैं पति के पास जा रही हूँ स्वामी। पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का, ऐसे बताने वाले उन फकीरों के चलते कई बच्चियाँ पैदा होने से पहले ही मारी जा रही है। एक औरत होकर लड़की पैदा ना हो सोचने वाले उस शकुंतला देवी को जीने का कोई हक नहीं है। जी स्वामी, उस फकीर की बात सुनकर गांव में कई सास पेट में ही बच्चियों को मार डाल रही हैं। मुझे 5 लड़कियों के होने के बाद ही लड़का होगा करके फकीर ने बताया है। तो फिर उस फकीर को और तुम्हारी सास को अच्छा सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना? कैसे स्वामी? ललिता बेटी, तुम यहाँ से 9 मील पश्चिम दिशा की ओर जाओ। वहाँ पर तुम्हें शमशान में शिथिल अवस्था में एक मंदिर दिखाई देगी। उसमें 7 सिर वाली अखिला मूर्ति दिखाई देगी। तुम्हारी सास के लिए बिल्कुल सही भूतनी वो 7 सिर वाली अखिला ही है। उस फकीर के लिए बिल्कुल सही पिशाचनी वो 7 सिर वाली अखिला ही है। पेट में बच्चों को मारने वाले लोगों के लिए वो राक्षसनी 7 सिर वाली अखिला ही है। जाओ, उस 7 सिर वाली अखिला के मूर्ति के पास बैठकर तुम अपनी सारी दुख बताओ और अपनी आंसू उसके पांव पर गिराओ। कौन है स्वामी? 7 सरों वाली अखिला? भूत है, देवता है, ये फिर कौन है? अखिला तुम्हारे जैसे लोगों के लिए देवी है बेटी, और तुम्हारी सास के लिए भूतनी है। 47 साल पहले यहाँ से 9 मील दूर पर बद्रुका नाम का एक गांव था। उस गांव में देवकी और नागेंद्र नाम के पति पत्नी रहते थे। देवकी बहुत अच्छी थी, उनको लगातार 6 लड़कियां हुई थी, पर 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो जाती थी। उनके मौत का कारण पता ना था, इसलिए देवकी बहुत दुखी होती थी। ओ जी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं हम लोगों ने कौन सा पाप किया है। बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो जा रही है। शायद हमारे वंश का कोई श्राप होगा जी। मैं अपने गुरु जी के पास जाकर इसका हल पूछ कर आऊंगी। ठीक है देवकी, ध्यान से जाकर आना। हाँ, देवकी गुरु जी के पास जाने के बाद, माँ वो किसी गुरु के पास गई है। इस बार भी यदि लड़की हुई तो 1 साल पूरा होने से पहले ही उस बच्ची के मुंह में बिच्छू का जहर डालकर मार डालेंगे। अब तक उसको कोई शक नहीं हुआ, वे बच्चियों को मार डाले हैं। ध्यान से, हम ही लोग बच्चों को मार रहे हैं करके यदि देवकी को पता चल गया, हमारी बीवी तुम्हें छोड़ देगी। ऐसे भी वो जमींदार की बेटी है, पूरी जायदाद उसी के नाम पर है। बच्ची के मौत के जिम्मेदार हम ही लोग है करके यदि उसके पिताजी को पता चला तो हम दोनों को फांसी पर लटका देंगे। उसका उतना दिमाग नहीं है माँ। अगर उसका उतना दिमाग होता तो उसके घर में काम के लिए जाकर प्यार का दिखावा करने से पहचान नहीं पाई। मेरे प्यार को सच्चा समझकर अपने पिताजी से लड़कर मुझसे शादी की है। फिर भी सावधान से रहना। लड़की पैदा होकर बड़ी होकर किसी और से शादी करके इतनी जायदाद यदि दामाद मुफ्त में ले जाएगा तो कैसा होगा? इसीलिए हमारे वंश में लड़की नहीं होना है। इन सब बातों से अनजान बेचारी देवकी अपने गुरुजी से मिलने के लिए पड़ोस गांव में जा रही थी। गुरुजी को सारी बातें बताकर
इसका कोई हल मांग रही थी। देवकी बेटी, तुम्हारी कुंडली में कोई दोष नहीं है, तुम्हारे वंश को भी कोई श्राप नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अच्छा है, ये लो पूर्णनवी फूल। पूर्णनवी पानी की बूंद भी ना पड़ने वाले मेलू पर्वत के गुफा में मिलने वाली एक पौधा है। हर 12 साल में एक बार ही इसमें फूल लगती है। फूल लगते पौधा मर जाती है, लेकिन पानी की बूंद ना पड़ने तक वह फूल 12 साल तक बिना मुरझाए उसी प्रकार खुशबू भरी ताजा रहती है। इस प्रकार गुरुजी की दी हुई पूर्णवती फूल को किसी को ना दिखाकर पूजा घर में छुपा कर रख दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की हुई। महीने गुजर रहे थे। उस बच्ची का नाम अखिला रखी, वह बहुत ही प्यार से पाल रही थी। लेकिन समय का इंतजार कर रहे नागेंद्र और उसकी मां देवकी के सोने के बाद अखिला के मुंह में जहर डालकर मार दिए। और अखिला को भी उन दो बच्चियों के समाधियों के पास ही दफना दिए। देवकी दुख में एकदम से डूब गई थी। तीसरे आदमी को भी पता ना चले मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर पूर्णनवी फूल को रखना है। बेटी, किसी और की नजर पड़ने से उस फूल की शक्ति कम हो जाएगी। सबके सो जाने के बाद आधी रात को गुरुजी की दी हुई फूल को ले जाकर उनके खेत में समाधियों के पास जाकर अखिला की समाधि पर फूल रखने ही वाली थी। इतने में देवकी को कुछ याद आया। अखिला के साथ साथ उसकी मरी हुई और 6 बच्चियों को भी जीवित करना चाहिए। मां का प्यार है ना, बिना कुछ सोचे तुरंत ही पूरे 7 समाधियों को खोदकर छह बच्चियों के कंकाल को अखिला के देह से मिलाकर एक साथ रखकर उस पर पूर्णवती फूल को रखते ही बारिश में भीगते ही फूल काले रंग में जल जाती है। देवकी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन होश में आई तो देखी समाधि के गड्ढे में सिर्फ जली हुई फूल थी। मरी हुई अखिला की देह या फिर बली 6 बच्चियों की अस्थियां वहां पर कुछ भी नहीं थी। वह आश्चर्य से घर को लौट आई, पति और सास को सारी बातें बताई। ये बात सुनकर वे यकीन नहीं किए। देवकी पागल हो गई है सोचकर वे मन ही मन बहुत खुश हुए। लेकिन उस दिन रात को पूरा गांव सोने के बाद समाधि से 7 सिर वाली अकेला भूतनी उठी। उनके मौत के कारण बनने वाले नागेंद्र को, उसकी मां को और गांव में बच्चों की मौत के जिम्मेदार बनने वाले दुष्ट सास और ससुर पति को सभी को मार डाली। अखिला भूत ने सारी बातें अपनी मां को बताकर सुबह होते ही किला में बदल गई। देवकी प्यार से उस शिला को अपने खेत में मंदिर बनाकर उस शिला को ही अपनी बेटी मानकर जब तक जीवित थी उसकी सेवा की। माँ के पेट में ही बच्चियों को मारने वाले को, पैदा होने के बाद मारने वालों को, मारने के लिए जो मदद करते हैं उनको मैं जीने नहीं दूंगी, लौट कर आऊंगी। यही है बेटी उस 7 सिर वाली अखिला की कहानी। अब तक वो शीला जीवित है, तुम्हारी तकलीफ जरूर सुनेगी, जाओ। लेकिन सावधान, उस गांव वालों द्वारा दी गई भ्रूण हत्याओं के कारण पाप से भरा हुआ वो गांव अब शमशान जैसा लग रहा है। डरो मत,
जाकर अपनी तकलीफें बताओ, अपनी ससुराल चली जाओ बेटी, बाकी सब कुछ वो सात सिर वाली अखिला देख लेगी। महर्षि ने जैसा कहा ललिता ने वैसा ही किया। सात सरों में दाहिने तरफ की आखिरी वाली 1 साल उम्र वाली अखिला है, बाएं तरफ की सर 7 साल की उम्र वाली देवकी की पहली संतान है। वह सारे सर आंखें बंद करके ही रखती है, यदि आंखें खोली तो तुम्हारी तकलीफ सुनने का संकेत होगा। 7 सिर आंखें खोलने के बाद ही तुम उस मंदिर को छोड़कर अपने ससुराल चली जाना। तुमने अपनी आंख खोली, इसका मतलब तुमने मेरी तकलीफ सुनी है, तुमने सुनी है, इस हिम्मत से ही मैं ससुराल जा रही हूँ। क्या लड़की का प्राण मतलब मजाक है? मार डालूंगी, मार डालूंगी। ललिता के पीछे तात सिर वाली अखिला भूतनी आ गई। गांव में आते ही उसने सबसे पहले उस फकीर को मार डाला। क्या लड़की का प्राण मतलब मजाक है? मार डालूंगी, मार डालूंगी। बहू के पेट में बच्ची को जहर देकर मारने वाली शकुंतला देवदास को वह मार डाली। लड़की का प्राण मतलब मजाक है? मार डालूंगी, मार डालूंगी। जो भी पेट से थी रात भर उनकी रखवाली करती थी। सिर वाली अखिला के बारे में जानकर लड़की नहीं चाहिए बोलने वाले पति, ससुर और सास को बुद्धि आ गई। कई लड़कियों को जन्म देने वाली माओं के लिए वह देवता बन गई थी। अब वो मंदिर हर दिन भक्तों के लिए भर जाती थी। लड़की को मुसीबत है ऐसा कोई भी उस शिला के पास जाकर रोने से तुरंत प्रत्यक्ष होकर सात सिर वाली अखिला भूतनी उनकी मदद करती थी।